नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने किसी भी ट्रैक्टर में LED पार्किंग लाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रैक्टर में पार्किंग बल्ब इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ट्रैक्टर के हेडलाइट को ओपन करना होगा। और इसके बाद होल्डर बल्ब को हम अलग कर लेंगे ताकि पार्किंग बल्ब लगाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। और इसमें जो आप ये होल देख रहे हैं, इसमें जो अपना पार्किंग बल्ब है उसका होल्डर लगेगा। और इसी प्रकार हम अपने दूसरे हेडलाइट को भी इसी तरह ओपन कर लेंगे। और ये देखो, इसका भी हमने पूरा अलग कर लिया है ट्रैक्टर से इसको, ताकि हम इसके बाद में इन्हें पानी से अच्छी तरह से साफ कर लूँगा, ताकि इनके अंदर जो भी धूल मिट्टी कचरा जो भी था सभी साफ हो जाएगा। और जो इसकी रोशनी थी वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी और ये दिखने में भी बिल्कुल साफ लगेगा। अब इन्हें सूखे कपड़े से साफ कर लेते हैं, ताकि जो भी पानी इसके अंदर रहा था वो सब साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे दोनों अपने लाइट। ये देखिए, मैंने इसके दोनों हेडलाइटों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये पहले के मुकाबले आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, साफ़ दिख रहे हैं काफ़ी। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक इस साइड छोटा वाला जो होल्डर आता है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एक होल्डर हमें दूसरी साइड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पार्किंग लाइट। इसके बाद में मैंने यहाँ पर जो आपको तीन वायरें दिख रही हैं उसी में से एक चौथी वायर भी मैंने डाल दी है। ये तीन वायरें अपने मेन लाइट की थी और जो चौथी वायर जो मैंने डाली है ये अपने पार्किंग लाइट के लिए रहेगी, और ये पॉजिटिव के लिए मैंने डाली। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक होल्डर और एक मल्टी कलर का LED बल्ब लिया है। अगर आपको वाइट LED डालना है तो आप सिंपल वाइट या ब्लू जिस भी कलर की आपको लगती है आप उस कलर की डाल सकते हैं। अब मैं इसे उसी तरह से जिस प्रकार हमने इसे खोला था उसी प्रकार से इसकी फिटिंग कर दूंगा। ये बल्ब को इसमें हम वापस उसी तरह से लगा देंगे। ये अच्छी से लग जाएगा, ये फिटिंग हो जाएगी इसकी। और ये देखिए लग गया है ये। और अब यहाँ पर जो होल है इसमें अपना ये जो मल्टी कलर का अपन ने पार्किंग लाइट लगा है इस होल्डर में लगा देंगे। ये यहाँ पर थोड़ा ढीला है तो इसे मैं टेप से फिक्स कर दूँगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक छोटी सी पत्ती है, ये नेगेटिव के लिए काम करेगी। इससे ये होल्डर अपना टच रहेगा तभी अपना जो बल्ब है वो जलेगा। अगर इससे टच नहीं है तो अपना बल्ब नहीं जल पाएगा। पॉजिटिव का तो अपन ने ये एक पॉजिटिव का बाहर तो डाल दिया था, लेकिन नेगेटिव का कनेक्शन मैंने यहीं से कर दिया है। ये नेगेटिव से मैंने इसे टच कर दिया है। अब इसके बाद में इस पर टेप लगा दूंगा ताकि नेगेटिव से टच भी रहेगा और हिलेगा भी नहीं। अब इसे मैं वापस जैसे मैंने खोला था उसी प्रकार से वापस इसे लगा दूंगा। हमने एक साइड तो पार्किंग लाइट इंस्टॉल कर दिया है, अब हम दूसरी साइड भी पार्किंग लाइट इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें कोई भी होल नहीं दिया हुआ है पार्किंग लाइट इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर हमें एक होल बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा होल्डर इसमें आसानी से लग जाए। अब हमें यहाँ पर
एक होल बनाने के लिए इसे पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। जो इसके सामने जो कांच लगा हुआ है उस कांच को मैं बाहर निकाल कर अलग कर लूँगा, उसके बाद इसमें एक होल्डर के लिए होल करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें होल करने के लिए कील से छोटा होल करूँगा, उसके बाद फिर इसमें एक बड़ा होल करूँगा। अपने को होल उस नाप का चाहिए जिससे कि अपना जो पार्किंग लाइट का होल्डर है वो उस इस होल में आसानी से फिट हो जाए। इसमें मैंने होल कर लिया है, ये देखिए होल अच्छे से हो गया है। और इस होल में अब मेरे पास जो होल्डर है मैं इसे अच्छे से इस होल में लगा दूंगा। ये होल में लग चुका है, अच्छे से लग गया है। और इस एलईडी बल्ब को भी मैं इसी में लगा देता हूँ। इसे अब जैसे अपन ने खोला था उसी प्रकार इसे पूरी पैकिंग इसकी कर देते हैं। अब इसके बाद जो अपन ने रिपीटों को खोला था उन रिपीटों को वापस उसी तरह से दबा देते हैं। ये बिल्कुल दबने के बाद बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये देखिए अपना एलईडी लाइट बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब इसमें एक पॉजिटिव वायर डालूंगा। ये देखिए अपना बल्ब लग चुका है और इसमें मैंने पॉजिटिव वायर भी डाल लिया है। अब पॉजिटिव वायर डालने के बाद अब हम इसमें एक नेगेटिव वायर भी डालेंगे। ये यहाँ से मैं नेगेटिव वायर भी इसमें डाल दूँगा। अब मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। तो जो तीन वायर है वो तो अपने मेन हेडलाइट के हैं और इसके अलावा मैं दो इसमें अपने पार्किंग बल्ब के वायर डाल रहा हूँ, जिसमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। और ये दोनों वायरों को मैं जहाँ से ये तीन वायर निकले हों वहीं से निकाल देता हूँ और उसके बाद इसे वापस से पैक कर लेते हैं। जैसा अपन ने खोला था वैसा ही कर लेते हैं इसको। अब मैं जो अपन ने पार्किंग का बल्ब डाला है इसके होल्डर पे अच्छे से टेप लगा दूंगा। टेप लगाने से यह होगा कि ये अगर कहीं भी लोहे से टच होता है तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। अगर मैं टेप नहीं लगाता और ये कहीं भी लोहे से टच हो जाता तो शॉर्ट सर्किट हो सकती थी, इसलिए मैंने इसमें अच्छे से टेप लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसे पैक कर देता हूँ। इसके बाद हम अब अपने दोनों जो पार्किंग लाइट अपन ने इंस्टॉल किए इनकी दोनों की वायरिंग कर लेते हैं। तो जो ये आप ऑरेंज बल्ब देख रहे हैं इसे मैंने पहले पार्किंग के ही जैसा इंस्टॉल किया था जाली में सामने ट्रैक्टर की। तो इसका जो आप येलो वायर देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो इसमें मैं दोनों लाइटों के पॉजिटिव वायर को इससे कनेक्ट कर दूंगा। और इसके बाद में अब इसमें अच्छी तरह से पूरा टेप लगा देता हूँ। इसके बाद में अब आपको अपनी जो ऑरेंज लाइट लगाया था वो मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये मैंने स्विच चालू कर दिया है और ये देखिए यहाँ पर अपना जो ऑरेंज लाइट था वो भी चालू हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अभी कुछ समय में इंजन में दोनों साइड एलईडी लाइट लगाऊंगा, एक यहाँ पर और एक लाइट यहाँ पर, जिससे कि इंजन पूरा ब्लू दिखे।
अब इसके बाद हम अपने पार्किंग लाइटों को जलाकर देखते हैं कैसे लग रहे हैं। ये देखिए काफ़ी दिखने में अच्छे लग रहे हैं। और ये मल्टी लाइट है, मल्टी पार्किंग लाइट। और मैं आपको शाम का भी रात का भी दिखाता हूँ कि रात में कैसे दिखने में लग रहे हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।